सो गाइस, मैं हूँ भान प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आया हूँ माथेरान और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि माथेरान को कैसे आना है। यहाँ पे आप कौन से पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पे आपको नाइट स्टे के लिए क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे होटल्स, रिसॉर्ट और भी कई सारी चीज़ें, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल में मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर आकर भी नाइट स्टे कर सकते हो। यहाँ पर आपको रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको बताया कि फॉग बहुत ही ज़्यादा है, तो फॉग थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा व्यू भी थोड़ा अच्छे से देखने मिल रहा है। मैंने आपको जो पहले बताया कि वो पॉइंट थोड़ा सा रिस्की है यहाँ से देखना है, तो वहीं पर ही हम लोग जा रहे हैं। तो माथेरान जाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है नेरल स्टेशन, और फिलहाल हम लोग नेरल स्टेशन पे ही खड़े, तो अभी यहाँ से बाहर जाते और देखते क्या ऑप्शन अवेलेबल है माथेरान जाने के लिए। तो यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे नेरल स्टेशन, जहाँ पे हम लोग उतरे और यहाँ से हम लोग बाहर आए स्टेशन से, और यहाँ पर एक और स्टेशन है नेरल का, जहाँ से टॉय ट्रेन चलती है माथेरान के लिए, बट ये जो टॉय ट्रेन है वो बारिश में बंद होती है। तो यहाँ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो वही टॉय ट्रेन है, बट फिलहाल जो है वो बंद है। तो अभी हमें यहाँ से राइट हैंड साइड से आगे जाना है, तो अभी जो है टॉय ट्रेन तो जाती नहीं माथेरान तक, तो अभी हम लोग जो है यहाँ से टैक्सी में जाना पड़ेगा, और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चल के जा रहे हैं आगे, और वहाँ से आप जो है टैक्सी मिल जाएगी आपको, और टैक्सी का क्या कॉस्ट है मैं आपको वहाँ पर जाके बताता हूँ। हम लोग थोड़ा सा आगे चल के आए तो यहाँ पर ही आपको टैक्सी मिल जाएगी माथेरान जाने के लिए। कितना कॉस्ट लेते हो ये पर पर्सन? 100 रुपया। ओके, और ये सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाता है? 6 बजे से। और शाम को वहाँ से आने के लिए लास्ट कितने बजे तक मिलेगा? 10-11 बजे तक मिलते रहते हैं। ओके ओके, 10 का ट्रेन है लास्ट। हाँ, वो लास्ट। हाँ हाँ ओके ओके। तो यहाँ इस स्टॉप पे हम लोग उतर गए, तो अभी यहाँ से हम लोग आगे चल के जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो गेट देख रहे हो माथेरान गिरिस्थान नगर परिषद, तो यहाँ से हमें अंदर जाना है चल के। तो यहाँ एंट्रेंस के राइट हैंड साइड पे ये जो रास्ता जा रहा है, अगर आप अपनी यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल लेके आते हो तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो। और यहाँ से आगे जाने से पहले आपको जो है यहाँ से एक टिकट लेना पड़ेगा, टिकट का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे माथेरान का पूरा बड़ा सा मैप है, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट जो एक दिन में तो कवर नहीं हो गए, बट जो मेन पॉइंट है वो मैं आज कवर करूँगा। तो यहाँ से टिकट निकल के आप जैसे ही बाहर आओगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पे यहाँ MTDC का जो रूम्स अवेलेबल आपको मिल जाएगा, बट आप ये ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो। तो इसकी जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, और रूम्स बहुत ही अच्छे रहते हैं यहाँ के, तो आपको नाइट स्टे करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हो। अभी आगे कहाँ कहाँ पर जाना है कुछ आइडिया नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब टैक्सी से आ रहा था तो यार नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, और यहाँ आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं 15 से 20 मिनट में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन टॉय ट्रेन अगर स्टार्ट होता ना तो टॉय ट्रेन से जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, बट वो हम लोग जो है मिस करेंगे इस बार। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मैं यही ध्यान रख के आऊँगा कि टॉय ट्रेन जो है स्टार्ट होगी, बारिश के सीज़न में जो है टॉय ट्रेन बंद होती है। तो अभी यहाँ से जाते आगे और देखते हम लोग पहला पॉइंट क्या देखते हैं। और बारिश का सीज़न है तो रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग भी जो है आपको देखने मिलता है। तो यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं जिसका डिस्टेंस भी लिखा हुआ है।
तो जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, फॉग यहाँ पर को दिखाई दे रहा है। क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। तो आप थोड़ा सा आगे हो गए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप ई रिक्शा से माथेरान स्टेशन तक जा सकते हो। पर पर्सन 35 रुपीज़ है। ओके, और इसका टाइमिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइमिंग 6:30 to 10 PM। ओके, लगेज कहाँ पर? अच्छा, ओके। तो इस रिक्शा में जो है बड़े साइज की जो ट्रॉली रहेगी, बैग्स रहेगी, वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ से आप ई रिक्शा से भी माथेरान स्टेशन तक जा सकते हो, या फिर आपको घोड़े भी मिल जाएंगे माथेरान स्टेशन जाने के लिए। और घोड़े का जो कॉस्ट है वो बता रहे थे कि यहाँ पे सीज़न वाइज चेंज होते रहता है, 300, 350, 400। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सीन है गाइस, अभी बज रहे सुबह के 8, तो सारे स्टॉल जो है खुले हुए नहीं है, ज़्यादा शॉप्स नहीं है यहाँ पर, और शॉप्स भी है तो थोड़ा सा महंगा है यहाँ पर। और हम लोग जो ऐसे आगे थे, अंदर कुछ लिया नहीं था हम लोग ने खाने के लिए। तो अगर आप आते हो यहाँ पे तो इस बात का ख्याल रखना कुछ ना कुछ तो नाश्ता या फिर पानी की बोतल कैरी करना, क्योंकि अगर आप चल के सारे पॉइंट कवर करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और बीच बीच में आपको स्टॉल देखने नहीं मिलेंगे। तो हम लोग जो है अंदर आए, वापस बाहर गए, और हम लोग ने 2-3 बिस्किट, वेफर्स और पानी का बोतल एक और ख़रीद लिया, ताकि हमें अगर चलते चलते प्यास भी लग जाए, कुछ खाने को भूख भी लग जाए, तो सारी चीज़ें काम आएगी, तो इस बात का ख्याल रखना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पैनोरामा पॉइंट के यहाँ पे, जो यहाँ से 2.1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। जो बारिश का सीज़न है तो थोड़ा सा वहाँ से हम लोग चल गए, थोड़ा सा कीचड़ हो गया था, बट यहाँ से अभी थोड़ा सा अच्छा रास्ता है। और मैं इस बार आया हूँ मेरे एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम है निखिल। हाय निखिल। तो गाइस, हम लोग ने जो है पैनोरामा पॉइंट जाने का प्लान कैंसिल किया, क्योंकि हम लोग जा ही रहे थे, वहाँ पे एक घोड़े वाले भाई मिले, तो उन्होंने बताया कि अभी जाके कुछ मतलब नहीं है, और वो 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो चल के जाने में कोई सेंस नहीं, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं अगर आप गाड़ी से आए हो तो वही व्यू आपको वहाँ पर भी पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा, बट वो सनराइज़ के टाइम पर अच्छा दिखता है और सनसेट के टाइम पे अच्छा दिखता है, तो अभी जाके कुछ मतलब नहीं है। और बोलते कि आप जाओगे भी तो आपका एक से डेढ़ घंटा आपका निकल जाएगा वहाँ पर। तो उससे अच्छा बोला कि आप जो बाकी के सारे पॉइंट्स हैं आगे तो वो सारे कवर कीजिए। तो हम लोग वापस वही रास्ते से बाहर आए, तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो जाकर देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक और टिकट काउंटर है, यहाँ से जो टॉय ट्रेन से आप जा सकते हो। यहाँ पे आगे स्टेशन है अमन लॉज करके, और यहाँ से आप माथेरान जा सकते हो टॉय ट्रेन से। और इसका जो टिकट का कॉस्ट है वो इस प्रकार से, फर्स्ट क्लास टिकट है वो 95 रुपीज़ का है, जो सेकंड क्लास है 55 का है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये टॉय ट्रेन में जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पे उसका टाइमिंग लिखा हुआ है और वहाँ से आने का भी टाइमिंग लिखा हुआ है। हम लोग ने 2 टिकट निकाल लिया है, एक टिकट का कॉस्ट है 55 रुपीज़। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेशन है अमन लॉज। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे स्टेशन, और यहाँ से जो ट्रैक जा रही है आप बाय ट्रैक भी जा सकते हो चल के, अगर आपने टिकट नहीं लिया, अगर आपको टॉय ट्रेन से नहीं जाना है तो। तो टॉय ट्रेन तो आ गया, तो अभी हमें जो वेट करना है, सब सारे पैसेंजर जो नीचे उतरेंगे, और हमारे जो सीट नंबर है D2 में, तो यहाँ से हमें अंदर जाना है और हमारे सीट पर बैठना है। टोटल 4 डब्बे, D1, D2, D3 और D4। तो 15 से 20 मिनट का ट्रैवल करके अभी हम लोग आगे माथेरान स्टेशन पे, चल के भी आप आ सकते हो, चल के आप आओगे तो आपको बीच बीच में जो नज़ारे वो आप खड़े रह के एंजॉय कर सकते हो,
अगर आप टॉय ट्रेन में विंडो सीट पर बैठे हो तो आप थोड़ा सा नज़ारा देख सकते हो। मैं विंडो सीट पर बैठा नहीं था, बट फिर भी जो बंदा बैठा था थोड़ा, मैंने बोला एक दो शॉट निकाल लेते मुझे, तो ऐसे मैंने थोड़े बहुत शॉट निकाले। तो आप जैसे ही यहाँ से बाहर आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा आगे जाना है और वहाँ से सारे पॉइंट जो है स्टार्ट हो गए। और यहाँ आसपास में आपको बहुत सारे शॉप स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चल के जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने शॉप में पूछा तो उन्होंने बताया आपको थोड़ा सा आगे चल के जाना और वहाँ से जो है सारे पॉइंट जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर आते हो नाइट स्टे करने के लिए तो आप यहाँ पर आकर भी नाइट स्टे कर सकते हो। यहाँ पर आपको रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा खाने का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक होटल है जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हो। लिखा हुआ है यहाँ पे अफोर्डेबल रेट, बट कॉस्ट थोड़ा सा हाई होगा और देख के ही लग रहा है कॉस्टली है वो। और जगह जगह पर आपको यहाँ पर रिसॉर्ट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। और अभी बज रहे सुबह के 9:15 और जो सारे शॉप्स हैं वो धीरे धीरे ओपन हो रहे। और एक्चुअली हम लोग आए मंडे के दिन, एक्चुअली मेरा प्लान था संडे आने के लिए, लेकिन संडे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, संडे नहीं वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग जो है फ्राइडे को ही आ जाते हैं यहाँ पे रात को, और सैटरडे और संडे यहाँ पर टाइम स्पेंड करते। बारिश का सीज़न है, क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो ये सीज़न बेस्ट है अगर आप आना चाहते हो यहाँ पर और एक्सप्लोर करना चाहते हो, माथेरान एंजॉय करना चाहते हो, तो यही सीज़न में आप आ सकते हो। हम लोग थोड़ा सा आ गए और यहाँ पर है खंडा पॉइंट माथेरान, यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, तो चलते हैं। तो हम लोग पहुँच तो गए पॉइंट के पास, लेकिन पूरा फॉग है नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो गाइस, इतनी अच्छी जगह पर आते हैं और लोग जो कचरा कर देते हैं यहाँ पर, बॉटल वॉटल जो भी जूस वूस लेके आते हैं और यहाँ पे फेंक देते हैं। यहाँ पे कचरे का डब्बा रखा हुआ है वहाँ पर, तो अगर आप आते हो तो प्लीज़ जो भी कचरा आपका बॉटल है वो सारा कचरे के डब्बे में डालना। तो अभी हम लोग खंडाला पॉइंट देखने के बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर जा रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो हम लोग जो है थोड़ा सा आगे चल के आए, तो यहाँ राइट हैंड साइड पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सारे डायरेक्शन लिखे हुए हैं, तो ये सारे जो पॉइंट है वहाँ पर आगे, और डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से चलते आगे। और यहाँ से हमें स्वागत के लिए यहाँ पे बंदर भी मिल गए हमें, इनसे थोड़ा सा बच के रहना, हाथ में कुछ खाने की चीज़ है, पानी की बोतल मत रखना नहीं तो ये लोग आपसे ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको नॉनवेज भी अवेलेबल मिल जाएगा और वेज भी मिल जाएगा, तो हम लोग ने जो है पूरी भाजी ऑर्डर किया है। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे, तो हम लोग को राइट हैंड साइड से आगे जा रहे हैं। तो हम लोग ने जो है यहाँ पर पूरी भाजी खाया और टेस्ट बहुत ही अच्छा था, और एक पूरी भाजी का कॉस्ट था 80 रुपीज़, और उसमें आपको 4 पूरी देते और भाजी देते, लेकिन वो 4 पूरी बहुत बड़ा होता है, थोड़ा सा थिक होता है तो हैवी हो जाता है। तो आप ये सारे पॉइंट इस क्या बोलते हैं अंकल इसको, हैंड रिक्शा, ओके हैंड रिक्शा, इससे भी कवर कर सकते हो। क्या कॉस्ट लेते हो इसका?
वैसे जैसे 12 पॉइंट 7 पॉइंट जैसे जाएंगे इस सब। अच्छा, अगर 12 पॉइंट देखना है तो कितना? 1400 रुपया। अच्छा, 1% का। हाँ। ओके, और 7 पॉइंट देखना है तो? 7 पॉइंट का 700 रुपया। ओके, यहाँ से कि फिर? अच्छा, यहाँ से अगर वो माथेरान स्टेशन से जाना है तो थोड़ा ज्यादा है कि वही कॉस्ट रहेगा? नहीं, वो 100-200 रुपए ज्यादा। ओके ओके, थैंक यू। तो हम लोग जो चलते चलते जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ पे हम लोग ने बोर्ड पे देखा था 2 से 2.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर सारा डिस्टेंस लिखा हुआ था। और यहाँ रास्ते में आपको बहुत सारे रिसॉर्ट्स और होटल देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो अगर आपको नाइट स्टे करना है तो ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के आए, तो यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, एक राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक बोर्ड है जहाँ पे डायरेक्शन लिखे हुए हैं, इको पॉइंट है, सिलिया पॉइंट है, और भी 2 पॉइंट है और डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जाते आगे। तो ये जो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं वो यहाँ से राइट हैंड साइड पे, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक लेक है, तो आप वो देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, और उसके बाद जो है यहाँ पर जा सकते हो। तो हम लोग जो है पहले ये पॉइंट देख के आते हैं, फिर जो है लेक देखेंगे। तो जंगलों से होकर थोड़ा सा हम लोग खुले रास्ते पे आए, यहाँ पर भी बहुत सारे डायरेक्शन है और बहुत सारी जगह है, रास्ते है लेफ्ट साइड पे सीधा और राइट साइड पे। तो यहाँ पे भी हमें पूछना पड़ेगा कि कहाँ से जाना है, कौन सा पॉइंट कवर करना है पहले। और यहाँ पे आपको जो है जगह जगह पे रेस्टोरेंट देखने मिलते हैं, जब मैंने पहले बताया कि आगे कुछ खाने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको मिल जाएगा, जैसे आप लोग सामने देख पा रहे हो। तो यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है। तो हम लोग जो है इस रास्ते से नीचे आए और ये एक पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर सामने आप जैसे देख पा रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है इको पॉइंट, जो यहाँ से नीचे साइड में है 0.1 किलोमीटर डिस्टेंस पर। तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर जाओगे तो वहाँ पर वो लेक है, और यहाँ जो सामने जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है लुइसा पॉइंट के यहाँ पे, जो है 2 किलोमीटर, थोड़ा सा लंबा है। तो पहले हम लोग जाते इको पॉइंट देखते और फिर जाएंगे हम लोग लेक देखेंगे, और लेक देखने के बाद हम लोग जो है यहाँ से आगे जाएंगे, और वहाँ पर भी बहुत सारे डायरेक्शन लगे हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट है, तो वो बाद में जाके देखेंगे। तो यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा फॉगी है। तो एक्चुअली आज मंडे है तो क्राउड थोड़ा सा कम है, और यहाँ जंगलों से होकर जा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे, और कई सारे बर्ड्स के जो आवाज़ भी आपको अच्छे क्लियर सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे क्राउड नहीं है तो आवाज़ बहुत ही कम हो रहा है। मैं आपको सुनाता हूँ, काश आपको सुनाई दे। तो पूरा जंगल है जहाँ से बर्ड्स की आवाज़ आ रहे, आई होप कि आपको सुनाई दे। तो हम पहुंच गए इको पॉइंट के पास, लेकिन यहाँ पर भी जो पहले आप मैंने आपको बताया कि फॉग बहुत ही ज़्यादा है तो आपको व्यू देखने नहीं मिलेगा। ये देख रहे हो यहाँ पे ढेर सारा कचरा, इतनी अच्छी जगह को गंदा करके रखा है, और यहाँ से ये व्यू, फॉग है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरे सारे 360 व्यू में आपको सिर्फ फॉग दिखाई देगा। तो यहाँ इको पॉइंट पे थोड़ा सा फॉग जो है क्लियर हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो है विजुअल्स क्लियर हुए है, जिसके लिए आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ इको पॉइंट के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे वो सामने देख रहे हो, वो लुइसा पॉइंट है।
तो यहाँ इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो हार्ट शेप में फ्लावर्स लगाए गए हैं, आप यहाँ पे फोटोज खिंचा सकते हो। सो गाइस यहाँ इको पॉइंट पे और भी कई सारी गेम्स आपको देखने मिलेगी। तो ऑलमोस्ट सारा फॉग जाने के बाद तो है हमें थोड़ा सा व्यू देखने मिला इको पॉइंट से, और इको पॉइंट पे लोग चिल्ला रहे जोर जोर से, अभी सुनाई दे रहा है आपको पता नहीं, बट इको ऐसा लग नहीं रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है। मैंने भी एक दो बार चिल्लाया बट इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ इको का। तो अभी आगे चलते और आगे जो एक पॉइंट है लेके वो जाकर देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इको पॉइंट देखने के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हमें जा रहे शार्लेट लेक देखने के लिए। तो यहाँ इस लेक के पास जाने का रास्ता थोड़ा सा अच्छा है, लोग जो है घोड़े से भी जा रहे सारे पॉइंट्स कवर कर रहे। अगर आप चल नहीं पाते हो तो ये घोड़े से कवर कर सकते हो, बट घोड़े का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो 10 मिनट का वॉक करके हम पहुँच गए लेक के पास, और यहाँ पर भी आपको जो है रेस्टोरेंट और स्टॉल्स देखने मिलेंगे खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो ये है वो लेक जिसे देखने के लिए हम लोग थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा चल के आए। तो आप लेक देख के थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा मंदिर भी देखने मिलेगा, श्री पिसरनाथ मंदिर। तो आप जाके दर्शन भी कर सकते हो, या फिर आप आगे जो भी आपके पॉइंट्स है वो देखने का कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ से मंदिर से दर्शन करके हम लोग आए गए बाहर, और यहाँ से हम लोग आए थे लेक देख के। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक और पॉइंट है लॉर्ड पॉइंट, तो वही हम लोग देखने ही जा रहे हैं। तो यहाँ से ओनली 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, फॉग थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा व्यू भी थोड़ा अच्छे से देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 पॉइंट देखे, बट उन सारे पॉइंट से जो है ऑलमोस्ट नज़ारा सेम ही आपको दिखाई देता है। अगर आप सारे पॉइंट देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और वहाँ का भी नज़ारा एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट नज़ारा सेम ही होता है। तो अभी हम लोग जाते जहाँ पर शिवाजी महाराज का जो स्टेचू था, और वहाँ से देखते कि कौन से पॉइंट पर जाते देखने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर आप चल सकते हो तो चल के कवर कीजिए, नहीं तो घोड़ा कीजिए, या फिर जो मैंने हैंड रिक्शा दिखाया था वो कर लीजिए। तो यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे लेक है, तो लेक से आप वापस रिटर्न जाओगे ना तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक और पॉइंट है, तो आप यहाँ से नीचे जाके भी देख सकते हो, बट हम लोग भी नहीं जा रहे। सेम व्यू वहाँ पर भी हम लोग ने देखा, तो यहाँ पर भी सेम व्यू है, तो हम लोग जाएंगे रिटर्न यहाँ से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि कहीं जब आपको नेटवर्क मिलेगा और मोस्ट ऑफ जगह पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो इस बात का भी ख्याल रखना। तो यहाँ से लेक और मंदिर और एक पॉइंट देख के हम लोग आगे वापस बाहर। तो अभी हम लोग गए थे यहाँ से इको पॉइंट पे, यहाँ से राइट हैंड साइड पे एक रास्ता देख रहे हो जो जा रहा है लुइसा पॉइंट के यहाँ पे, जो यहाँ से डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, हमें जाने के लिए आधा घंटा लग जाएगा, बट वो सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट है, तो जाकर देखते कितना टाइम लगता है। अभी बज रहे 11, लेट्स सी कितना टाइम लगता है।
तो अभी हम लोग जो पॉइंट के पास जा रहे थे, थोड़ा सा ज़्यादा चलना है यहाँ पर। और हमारे पीछे जो एक ग्रुप था उसमें से दो जन घोड़े पे आ रहे थे, तो उन्होंने दो घोड़े लिए हुए थे, दो जन हैं उस पर, और एक जन ने 700 रुपीज़ दिया है 5 पॉइंट के लिए। तो ऐसे आप कितने पॉइंट के लिए घोड़े लेते हो, हिसाब से कॉस्ट है 5 पॉइंट के लिए 700 रुपये, तो समझ लो फिर 7-12 पॉइंट के लिए आराम से 1100-1200 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा आ गया है तो यहाँ पे और दो रस्से हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 3 पॉइंट है और यहाँ राइट हैंड साइड पे 5 पॉइंट है। तो आपको जो हिसाब से जाना है वो हिसाब से जा सकते हो। तो हम लोग भी डिसाइड करें कहाँ जाते हैं, लेफ्ट साइड में पहले जाते हैं कि राइट साइड में। तो हम लोग जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं जहाँ पे लुइसा पॉइंट है। तो हम लोग आए थोड़ा सा आगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हनुमान पॉइंट है और यहाँ से आगे जाओगे तो वहाँ पे 20 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे है लुइसा पॉइंट। तो पहले जाते हैं हनुमान पॉइंट पे और हनुमान पॉइंट पे देखते हैं। चलिए हनुमान पॉइंट है और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा देखने मिलता है आपको। सो गाइस इतने पॉइंट देख के थकान लग गई। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा कि सारे पॉइंट से व्यू एक ही आता है। तो अभी एक लास्ट पॉइंट है जो मेन है लुइसा पॉइंट, तो वहाँ पर जाते हैं। थोड़ा सा लंबा है यहाँ से और 20 मिनट हमें चल के जाना है। अभी बज रहे 11:15, आई होप कि हम लोग 12 बजे तक पहुँच जाए और रिटर्न हम लोग 1 बजे तक जो है मेन जो पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाए और वापस रिटर्न चले जाए। तो देखते हैं यहाँ पर जाने के लिए कितना टाइम लगता है। वैसे तो ये क्लाइमेट में घूमने को थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अगर ग्रुप के साथ आओगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मस्ती मजाक करके जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हम लोग दो ही जन आए तो क्या ही बात करें एक दूसरे से। अगर आप ग्रुप के साथ हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन थकान वाले बंदे लोग नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहे बंदे तो मज़ा आएगा घूमने के लिए, नहीं तो थोड़ा घूमने के बाद बोलेंगे अरे थकान लग गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती है। अगर घूमने आए हो तो अच्छे से घूमो, या फिर आपके पास पैसा है तो घोड़े और ऑटो रिक्शा से आप सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रुप में आते हो तो सारे लोग तो ये सारी चीज़ें लेंगे नहीं, कुछ लोग चल के जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप चल के कवर करो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन मज़ा ज़्यादा आएगा। तो अभी हमें और आगे 0.7 किलोमीटर्स जाना है जहाँ पर लुइसा पॉइंट है, और आगे और 2-3 पॉइंट भी है। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, आप यहाँ पे खड़े रह के ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ का बैठना है तो बैठ भी सकते हो, बैठने के लिए भी जगह है यहाँ पर। तो हम लोग वहाँ से आए थे, यहाँ से ऊपर गए और वहाँ पे एक पॉइंट में व्यू देखा और वापस हम लोग रिटर्न आए और यहाँ से हम लोग राइट हैंड साइड से थोड़ा सा आगे जा रहे और वहाँ पर भी एक पॉइंट है और कुछ 700 मीटर पे लुइसा पॉइंट आ ही रहा है अभी तक, कब से हम लोग चल ही रहे। तो 10 से 15 मिनट का वॉक करके वो पॉइंट से जहाँ पर हम लोग लास्ट व्यू देखा वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 15 मिनट लगा। ये है लुइसा पॉइंट और यहाँ पे एक अंकल बैठे थे जो टेलीस्कोप से आपको यहाँ पे 2-3 फोर्ट है ऑपोजिट साइड में इस पहाड़ के, तो वो दिखाते हैं। तो उसका कॉस्ट लेते हैं पर पर्सन 100 रुपीज़। अगर आपको देखना है टेलीस्कोप से तो आप वो देख सकते हो। तो ये पूरा लुइसा पॉइंट, आप यहाँ भी जा सकते हो, वहाँ नीचे भी जा सकते हो, वहाँ ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ सेफ्टी नहीं है, आजू बाजू कोई फेंसिंग लगाई नहीं है। तो आपको वहाँ पे आराम से जाना है और फोटोज़ खींचना है तो आराम से खींचना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। वो लोग जो है फेंसिंग के वो साइड जाके बैठे हुए हैं, बट बच्चे लोग को अगर आप लेके आते हो तो थोड़ा सा आपको संभालना है,
यहाँ पर। तो मैंने आपको जो पहले बताया कि वो पॉइंट थोड़ा सा रिस्की है यहाँ से देखना, तो वहीं पर ही हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं, बट वहाँ से थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ का जो पूरा लुइसा पॉइंट है हम लोग ने देख लिया, व्यू भी देख लिया। व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, ये यहाँ से वाटरफॉल आता है, बट अभी फिलहाल पानी नहीं है, बारिश नहीं, तो आपको इतना देखने नहीं मिलता है। थोड़ा सा पानी दिख रहा है, बट इतना ज़्यादा पानी नहीं दिखाई दे रहा है। एक जो पैनोरमिक पॉइंट था जो हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले जा रहे थे, वो हम लोग का छूट गया। मैं आपको बता दूँ, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो व्यू बहुत ही अच्छा है, और वहाँ से जो है एक गणपति बप्पा की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है, जिसे कड़ियावर से गणपति बप्पा कहा जाता है। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो अगर जाना चाहते हो तो, बट यहाँ से आपको सिर्फ वो व्यू देखने मिलेगा, बट हम लोग ने वो मिस कर दिया। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, और हम लोग ने ऑलमोस्ट 40-50% हम लोग ने कवर किया, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट सारे पॉइंट जो एक दिन में कवर नहीं होंगे, और चल के कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने जितने भी पॉइंट दिखाए वो मेन पॉइंट है, तो आप यहाँ पर भी जो है वो आके एक्सप्लोर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो व्यू यहाँ का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुई है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी मिली है, या फिर आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आओ जाओ।